असलम एंड वेलकम टू माई चैनल दस्तर खान की दावत ये देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल अंडा मसाला इसका कलर देख सकते हैं आप कितना रेड और बिल्कुल सिल्की स्मूथ ग्रेवी जैसा टेक्स्चर है इसका और ये बनाने में तो बहुत ही सिंपल है और स्वाद इसका काफ़ी लाजवाब होता है अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे बनाएंगे इतना ज़्यादा टेस्टी ये अंडा मसाला बनता है तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ढाबा स्टाइल अंडा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चार अंडे जिसे मैंने बॉईल करके इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है दो हरी मिर्च लिया है जिसे बीच में से तोड़ लिया है हाफ कप हरा धनिया लिया है इसे फ़ाइन चॉप कर लिया है यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज़ के टोमेटोस लिए हैं इसे भी फाइन चॉप कर लिया है दो ऑनियन लिया है इसे लंबा लंबा मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है वन टेबल स्पून पाव भाजी मसाला एक टी स्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है तीखा वाला हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है एक टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है एक टीस्पून नमक लिया है और यहाँ पर मैंने एक क्यूब बटर का लिया है और एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है मैंने यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है कढ़ाई को हाई फ्लेम पर हाफ कप ऑयल डाल दिया है मैंने इसके अंदर और इसे हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है अब इसके अंदर हमने जो चॉप किए हुए ऑनियंस थे वो डाल देंगे और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हमें लाइट गोल्डन होने तक पका लेना है इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है बस थोड़ा सा इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए बस उतना ही पकाना है हमें इसे ऑनियंस हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है अब इसमें हमें एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है उसके साथ ही हमें डाल देना है हरी मिर्चें और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए एक से दो मिनट तक भून लेना है ये देखिए एक से दो मिनट बाद अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है अब इसमें हम डाल देंगे सारे पाउडर मसाले जो हमने लिए थे अब इन पाउडर मसालों को हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पे सिर्फ एक मिनट के लिए भून लेना है इसे ज़्यादा नहीं भूनना है बिकॉज ये पाउडर मसाले हैं जल जाएंगे ज़्यादा भूनेंगे तो एक से दो मिनट बाद जो हमने पाउडर मसाले डाले थे वो भून चुके हैं अब इसमें हमें चॉप टोमेटोज डाल देना है चॉप टमाटोज डालने के बाद हमें इसे एक बार चला लेना है उसके बाद हमें डाल देना है हरा धनिया और फिर हरा धनिया डालने के बाद भी एक बार हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और इसे कवर करके हमें मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में स्टर करते हुए इसे जब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल ना रिलीज़ हो जाए ये देखिए करीबन आठ से दस मिनट बाद मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है ऑयल रिलीज़ कर दिया है इसमें मैं डाल रही हूँ आधा ग्लास पानी उसके बाद हमें इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेना है और फिर हमें फ़्लेम को हाई कर देना है ये देखिए हाई फ्लेम पे एक उबाल आने देना है जब इसमें उबाल आ जाए तो हमें अंडों को डाल देना है जो हमने चॉप करके रखे थे अंडों को डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेना है और फिर हमें फ्लेम को मीडियम कर हाँ इस तो करके, करके इसे कवर करके दो मिनट के लिए ही पका लेना है मीडियम फ्लेम पे पकते हुए इसे एक से दो मिनट हो चुके हैं चलिए इसे चेक कर लेते हैं ये देखिए अच्छी तरह से ये पक चुका है अब हमें इसे और नहीं पकाना है मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है अब इसमें हमें डाल देना है बटर और बटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेना है बटर डालते समय हमें गैस को बंद रखना है इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है बटर डालने के बाद बिकॉज जब हम बटर ऊपर से डालते हैं इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है ये देखिए बटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है ये रेडी हो गया है अब मैं आपको इसे प्लेट करके दिखाती हूँ ये देखिए अंडा मसाला हमारा रेडी हो गया है मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया है अब मैं आपको इसे प्लेट करके दिखा रही हूँ ये देखिए कितनी सिल्की स्मूथ टेक्सचर आया है इस अंडे मसाले का आप देख ही सकते हैं और इसका कलर कितना अच्छा बढ़िया सा रेड कलर आया है अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी ना भी हो तो आप इसे झटपट घर में बना सकते हैं आपने देखा ये रेसिपी कितनी आसान है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ ही मैंने इसे बना लिया है तो अगर आपके घर में कभी सब्ज़ी ना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है अब इसके ऊपर मैं थोड़े से और हरे धनिए से गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी दो मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ नींबू डाल रही हूँ ताकि ये अच्छा सा दिखे ये देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है हमारा ढाबा स्टाइल अंडा मसाला तो आप इसे किसी भी चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं पाव के साथ ब्रेड के साथ रोटी नान किसी के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है और यकीन मानिए आप इसे अगर एक बार बनाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप इसे बार बार ट्राई करेंगे बार बार बनाएंगे तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए